वाली हूँ अपने ही घर वालों से, वो भी अपने गेमिंग रूम में। तो चलो देखते हैं कि कोई मुझे पकड़ पाता है या नहीं। तो मैंने पहले जब भी ये छुपने वाला चैलेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन से छुपी हूँ मैं, लेकिन आज मैं छुपने वाली हूँ तो अपने पूरे घर वालों से। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस प्लान में मैंने लिया है काजल को और अपने भाई को, क्योंकि मुझे किसी को रखना तो बहुत जरूरी था। और मेरी मम्मी को और मेरी बहन को कुछ भी नहीं पता है। उन्हें ये लगेगा कि मैं बाहर जा चुकी हूँ, और मैंने उन लोगों को ये बोला है कि मैं आज ब्लॉग करने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के, जो कि मेरे घर के पास ही रहती है, ताकि इन लोगों में से कोई भी मेरे साथ ना जाए। और उसके बाद मैं घर में एंटर होंगी और छुपूंगी अपने गेमिंग रूम में। तो ये सब आसान तो लग रहा है बहुत ज्यादा बोलने में, लेकिन करने में भी आसान होना चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे होगा। तो चलो हम ये काम शुरू करते हैं। काजल देखो, मैं जो अभी निकलूंगी घर से बाहर, अच्छा, जैसे गेट बंद करूंगी, ठीक है, उसके बाद जैसे ये लोग रूम में अपने जाएंगे तो मैं बस गेट खोल देना ताकि मैं अंदर आऊँ घर के। उससे मेरा क्या फायदा? तो गाइस, मैं आ गई हूँ अभी इस रूम में अपने, जो कि ये रूम हमेशा ऑल टाइम जो है ना गंदा ही हुआ रहता है, पता नहीं क्या है, साफ सफाई नहीं करते यहाँ के लोग। आजकल मैं अमीर हो गई, काम के डेस्क पे फ्रेंड के पास जा रही हूँ, फिर फ्रेंड के पास जा रही हूँ, फैशन से भी बन जाऊंगी भाई। और यहाँ पर कर ली मैंने बहुत तकलीफ व्लॉगिंग, तो बस मैंने सोचा बस जल्दी से बाहर निकलते हैं। बहुत टाइम तो हो गया यार, लेकिन काजल ने गेट ही खोला है, पता नहीं कहाँ रह गई है। शायद अभी तक कोई भी रूम में नहीं गया होगा, इसलिए पता नहीं यार, देखते हैं जल्दी से खोलते हैं, वरना यहाँ पर तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो चलो गेमिंग रूम में, चलो जल्दी से। रास्ता बिल्कुल साफ है, अभी हम अपना अच्छे से छुप सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, इधर उधर कहाँ पे हैं वो लोग? दोनों एक ही रूम में हैं, हम लोग के रूम में गए दोनों एक ही साथ। तो अभी हमारा अच्छा टाइम है यहाँ पे छुपने का, तुम बस ध्यान रखना यहाँ पर कोई ना आए, फिर चलो अभी हम छुपते हैं यहाँ पे। अब तो गाइस, मैं छुपने वाली हूँ यहाँ इस टेबल के नीचे, जो मेरा गेमिंग टेबल के नीचे यहाँ पे। यहाँ मैं इसलिए छुप रही हूँ क्योंकि ये जो जगह है ना, इधर भी छुप सकती हूँ, ये जो साइड का टेबल है मेरा, लेकिन इसलिए नहीं छुप रही क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा वायर है और पूरा कनेक्शन इधर से ही है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बैग है और टेप रखा है, इसमें मैं आराम से सही से आ सकती हूँ यार। थोड़ा सा मुझे बैंड वैंड होके बैठना पड़ेगा, और यहाँ पे बनाऊंगी मैं अपना हिडन रूम। और मैं जोर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गेट बंद है और काजल को मैंने बाहर रख दिया है कि यार देखती रहे कि कोई आए ना यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने की चीजें लाने, और अपने लिए पिलो भी लेकर आऊंगी क्योंकि यहाँ पे टेक लगाना बहुत ज्यादा वो होगा। और यहाँ काजल मेरे लिए लेकर आ गई बहुत सारी खाने पीने की चीजें। मैंने अपने खाने पीने के लिए इतनी सारी चीजें रख ली कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर ही अंदर एक डर सा लग रहा है कि कहीं कोई आ गया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं गेम्स खेलती हूँ समीर नली गेमिंग पे, तो आपको जाना जरूर देखना चाहिए और जाकर सब्सक्राइब करना चाहिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मेरा पिलो है जो कि मैं पीछे लगाऊंगी, और यार थोड़ी मुश्किल हो रही है बैठने में क्योंकि जगह इतनी है नहीं, लेकिन मैं यहाँ से क्लियर दिख रही हूँ साफ, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा ये, फिर भी तो क्या ही है इससे यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो अब बड़ी चीज आ गई कि मुझे छुपना है, लेकिन छुपने के लिए पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज काम देगी मेरा या नहीं। ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अगर मैं ऐसे रखूंगी तो यार ये पूरा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोई भी हटा कर देख लेगा। तो मुझे लगता है कि मैं ये हटा दूं तो ज्यादा अच्छा है, मैं सिर्फ ऐसे रहूंगी। और मुझे लगता है कि अगर मैंने इसका यूज कर लिया तो चैलेंज यूं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और बुद्धि मुझे अपनी इस्तेमाल करनी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुद्धि है, तो मैं कहां इस्तेमाल करूंगी यार, यहीं पे तो करूंगी ना, क्योंकि मैंने आज ठान लिया कि इस चैलेंज के विनर तो बन के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं, लाइक करके मुझे बताओ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ कैसा लग रहा है, सब कुछ मैंने अच्छे सेट कर लिया है, सारा कुछ सेट हो गया है। और अभी मैंने थोड़ा अपना प्लान भी चेंज कर लिया था, लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो अभी मुझे देखने को मिली बिल्कुल अभी। देखो, ये जो आपको ये होल दिख रहा है ना यहाँ पे का, इससे ये मेरा बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो लोग उधर से आने वाले होंगे ना, उनको मैं ऐसे तो नहीं दिख पाऊंगी, लेकिन यहाँ से देख पाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कैमरा से। इस होल से सब कुछ दिख रहा है पूरा क्लियर, ऐसे सब कुछ दिख रहा है बाहर का, देखो। तो मुझे लगता है कि मैंने काजल को सही जासूस बनाया अपना, और मैंने उसको समझा दिया कि जब भी तुम्हें आना है, मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ से देना, इसी इस होल से देना, ताकि मुझे सब कुछ पता चले, क्योंकि जब तक वो इधर आएगी ना टाइम निकल जाएगा। बहुत मजा आ रहा है। तो अभी मुझे हो गया पूरा एक घंटा यहाँ पर बैठे बैठे, इस बीच मैंने अपना एक चिप्स भी खा लिया, खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। देखते हैं, जब कोई आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा से। मुझे लग रहा है सब लोग आ रहे हैं, रुको मैं दिखाती हूँ, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, देखते हैं। अरे यार, तो हड्डी टूट गई, इन्हीं रूम में आने का इसकी वाई वाली है ना, लाइट वाला बढ़िया लाइट लग रहा है। अरे यार, मैं ब्लॉग भी लेना था ना। हाँ, ये कर लो पहले यार। ये हाँ, ये माइक टूट गया क्या यार? काजल मेरा ना फ्रिज में वो रखा हुआ होगा, फ्रीजर में कोकोनट वाटर।
यार ये लोग जो आए थे जुम्बा करने के लिए, जुम्बा कम इन लोगों ने सीरियल ज्यादा देखा, मतलब बैठ ही गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पागल ही हो गई थी यहाँ पे बैठे बैठे। इतना कमर में दर्द हो रहा है मेरे कि जैसे ये लोग आए थे ना, मैंने इसको और खींच लिया अपनी तरफ, बिल्कुल ऐसे के ऐसे हो गई बिल्कुल, और कमर मेरी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं यार ये लोग फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, अब ना आए बस, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ एकदम से अम्मी आ गई और फिर तो मैं बहुत डर गई कि ये पता नहीं क्या हो गया, अब तो मैं फंसी जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने अपनी सांसें वासे सब रोक ली और मैं बिल्कुल शांति से बैठ गई, और फिर मैंने देखा कि अम्मी चली गई। हाँ मैं तो डरी गई थी अभी कि अम्मी आकर कहीं इधर ना बैठ जाए, लेकिन अम्मी ऐसे नॉर्मली आके कभी बैठती नहीं यहाँ पे। अरे यार ये तो इधर आ गया, इसको पकड़ते पकड़ते कोई आ ना जाए। ओए लड़का तू तो गया बेटे। भाई मेरे पास आ रहा है यार, ये तो इधर ही घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है शक करवा देगा किसी ना किसी को, तो इसके पीछे सबके सब आ जाते हैं। अभी तो किसी को नहीं पता चला है कि सब सो गया रूम में, तुम यहाँ छुपी हो। अरे यार मामी भी सो गई और स्वीटी अभी भी सो गई है, कोई नहीं है घर में, घर पूरा खाली, तो आप ठीक हो गए बैठ। और जैसे ही काजल ने मुझे बताया कि सब लोग सो गए हैं, तो मैंने उसको बोला कि वहाँ पर जाओ और सबकी रिकॉर्डिंग करके लाओ। वाओ यार अब तो कोई भी नहीं है, सब लोग आराम से सो रहे हैं बिल्कुल, इसने मुझे क्लिप भी दिखा दी। बैठ सकती हूँ, इसकी वजह से हमेशा मैं हारी हूँ ना, और अगर ये लड़का यहाँ पे रुका और इसने हराया ना, तो इसको बहुत पिटाई लगेगी बहुत ज्यादा। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं सुकून की सांस ले रही हूँ, आराम से बैठी हूँ, पीठ में इतना मेरे बैक में इतना दर्द हो गया वहां बैठे बैठे। वाह भाई वाह, ये भी साथ में आके मेरे साथ गेम खेलेगा? हूँ गेम खेलेगा, गेम खेलेगा तो गेम बजाना पड़ेगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मन कर रहा है कि बस ऐसे ही डांस करती रहूँ, मजे करती रहूँ, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि। अरे सभी जल्दी छुपो, सुनिए तुम्हारे लिए फोन कर रहा था आज। छुपो जल्दी छुपो। ओ भाई अरे यार फिर से अभी ऐसे ही बैठना पड़ता है, जल्दी चल यार यहाँ पे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी। मजे तो बहुत कर लिए, लेकिन एकदम से इसने आकर ऐसी खबर दे दी कि मुझे उछल के यहाँ अंदर बैठना पड़ गया, अब चुप हो गया आराम से रहूंगी। यार नहीं अब सो जाएंगे, काजल भी चली गई है, इन लोगों से बचना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो। अरे यार अम्मी की कॉल आ रही है, उठाती हूँ और स्पीकर करती हूँ। भाई अभी मुझे लग रहा है कि शायद किसी को शक तो नहीं हो गया। हाँ अभी तक नहीं आई, इंतजार कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्यों, दिन से रात हो गया, अभी तक कहाँ? वहीं पे, वहीं रात का हो या मी? हाँ अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मेरी एक और फ्रेंड आ गई है, उससे भी मिलना है। यार मकासा क्यों बोला अभी? समझ रही हो कि नहीं? हाँ क्या क्या करने गई हो, कहाँ पे हो? तुम्हारा कॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके और सबसे बड़ी बात अम्मी को पता नहीं चला यार। ओ भैया गेट भी खुला है इधर का, तो मेरी क्या बोल रही है, पता नहीं किधर है, इस रूम में तो था थोड़ी देर पहले, फिर पता नहीं चला गया होगा शायद। नहीं चली गई, डर इतना लग रहा है कि बोल भी नहीं पा रही। तो ये लाइट सब इसकी क्यों खुली हुई है पता नहीं, और ये ट्यूबवेल तो काजल एक ये वाला है, लगा तो साइड का सामान है। काजा काजा अरे नहीं है शुरू में, चलो उधर अल्लाह यार। लेकिन अब आप लोगों से मुझे एक चीज पूछती है कि अब मुझे बताओ कि विनर कौन है, मैं तो हूँ भैया। ये देखो ये मकासा, इसकी वजह से हुआ जो हुआ है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैं कैसे डरी हूँ। क्या करता है तू? अम्मी से कॉल पे बात हो रही थी और ये लड़का बाहुबल।
का चैलेंज किया है ना, मैं पहली बार इतनी देर तक छुपी हूँ, तो इस बात की मुझे खुशी है बहुत ज्यादा। यार मैं हार भी गई, उस बात का दुख है। तो चलो यहीं पर खत्म होती है मेरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अभी मिल गया अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।